Hello everyone, my name is Ritik and you are watching BU Commerce. Welcome to my channel. So in today's video, we are going to discuss 2025 CUET MCOM entrance syllabus. And also we are going to discuss my experience of doing MCOM from Department of Commerce, Delhi School. So there are two motives of this video. First of all, we will be discussing my experience of doing MCOM. Delhi School of Economics. I have seen many videos on CUET MCOM 2025 preparation. They are spreading misleading information regarding the placements. वो जस्ट गूगल से प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड उठा रहे हैं SRCC का और बता रहे हैं कि MCOM की ये प्लेसमेंट जा रही है, which is absolutely wrong, right? I have seen things with my own eyes. राइट सो जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन पे भरोसा करते हैं तो प्लीज उसकी ऑथेंटिसिटी जान लीजिए, ठीक है? वरना आप इजीली आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए, ठीक है? सो इन टुडेज वीडियो हम दो चीजें करने वाले हैं, मेरा एक्सपीरियंस जानने वाले हैं एमकॉम करने का, डीओसी का, डीओसी से एंड प्लेसमेंट्स क्या रहती है ये जानेंगे हम करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस जानते हैं, मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, फैकल्टी के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में और कितनी कट ऑफ्स कैसी रहती है। तो सारी जो चीज़ें हैं CUET MCOM एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उसका सिलेबस एंड DU के अंदर कैसा माहौल रहता है MCOM से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, टॉप नोच की फैकल्टी मैं कहूँगा, मेरे को काफ़ी सही लगी। जो मेरा क्या कहते हैं मेजर था वो था फाइनेंस के अंदर, ठीक है, एंड जो माइनर था वो था टैक्सेशन। काफी अच्छी तो आपको चीजें पढ़ाई जाती है, अच्छे लेवल पे पढ़ाई जाती है। अगर आप यहाँ से अपनी एमकॉम करोगे तो आपका सोचने का तरीका बदलेगा, चीजों को एनालाइज करने का तरीका बदलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जो फैकल्टी है उनको टॉप नोच पे रखना चाहूंगा और प्रॉपर रेटिंग देना चाहूंगा मेरी तरफ से, ठीक है? तो फैकल्टी की कोई टेंशन नहीं है और एक्सेप्शन तो होंगे ही ऑब्वियसली। सेकेंड में बात करता हूँ डायरेक्टली प्लेसमेंट्स की। मैंने काफ़ी वीडियोस में जो ये आजकल जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं CUET MCOM को लेकर, तो अपने कोर्सेज को बेच रहे हैं, वो प्लेसमेंट्स को बहुत ही रॉन्ग तरीके से दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि 14-14 लाख, 15-15, 20-20 लाख के एवरेज पैकेज जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप एक बार जाके लिंक्डइन पे चले जाना, वहां पर होगा CMC, उनकी एक बार रिपोर्ट देख लेना, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि MCOM की प्लेसमेंट्स कैसी रहती है, ठीक है? वो मिसलीडिंग नहीं होगी क्योंकि वो ऑथेंटिक है, बच्चों के द्वारा चलाई जाने वाली एक सोसाइटी है। ये CMC है, ये एक स्टूडेंट ड्रिवन सोसाइटी है, ठीक है, स्टूडेंट्स ड्रिवन। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है ना, ये जो प्लेसमेंट्स है, फैकल्टी का कोई रोल नहीं रहता यहाँ पर, ठीक है, कॉलेज का कोई रोल नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स ही है ना, यही मेहनत करके कंपनीज को लेकर आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है? कभी कभार होगा तो हेल्प कर देंगे फैकल्टी वाले, कॉलेज वाले, अदरवाइज स्टूडेंट्स ड्रिवन ही है, प्रॉपर स्टूडेंट्स ही मेहनत करते हैं, कॉल करते हैं और लेकर आते हैं कंपनीज को, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ कैसी कैसी कंपनीज आती है। तो पिछले साल जो नामी कंपनीज है, जो रेप्यूटेड कंपनीज है, बार्कलेज आई थी। बार्कलेज में एक पर्सन सेलेक्ट हुआ है और फिर डिलोइट भी है हमारे पास, जो डिलोइट मेजर रिक्रूटर है। डिलोइट आती है हर साल, पिछले साल भी आई है, इस साल भी आई है, तो वो मेजर रिक्रूटर है। टैक्स के प्रोफाइल के लिए आती है, ऑडिट के प्रोफाइल के लिए आती है, ठीक है? मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें बाहर निकालना या फिर आपको पब्लिकली बताना अलाउड या नहीं है, बट आई एम डूइंग इट फॉर माई स्टूडेंट्स, माई पीपल जो कि CUET MCOM देने वाले हैं और जिनकी इच्छा है भाई DU से पढ़ने की। तो आपको रियलिटी पता होना जरूरी है ना हर चीज़ की। अगर आप लोग एक चीज़ की तरफ जा रहे हो, उसको सोच रहे हो कि हाँ मैं DU से पढ़ूंगा, तो DU की रियलिटी भी तो पता होनी जरूरी है ना। तो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है? किसी और चीज़ों पर, किसी और के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पे यकीन मत किया कीजिए प्लीज, ठीक है? ऑथेंटिसिटी देख लिया कीजिए कि उसका बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से बोल रहा है वो, एक्सपीरियंस क्या है उसका, क्या वो वहाँ से पढ़ा है। मैं पढ़ाऊँ, मैं बताऊँगा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। चलिए, मैं यहाँ पे कोई अपना चैनल प्रमोट नहीं कर रहा, मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो सच है। आपको लोगों को पता है मेरे चैनल के बारे में, 2021 से पता है, ठीक है? मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स को CUET MCOM एंट्रेंस के लिए और पहले DUET MCOM एंट्रेंस के लिए भी करी है। ज्यादा बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फैकल्टी हो गया है, प्लेसमेंट्स हो गई है। प्लेसमेंट्स होती है, एवरेज में लगा के अगर कहूँ तो 8 लाख, 6 से 8 लाख एवरेज रहते हैं, ठीक है?
अब आप चाहे एसआरसीसी के हो, चाहे हंसराज के हो, चाहे हिंदू के हो, कहीं के ही हो आप, आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो डॉक से होगी, डीएससी से होगी। यानी कि ये जो प्लेसमेंट सेल है ना हमारा सीएमसी, यही क्या करता है, लेकर आता है डीओसी के अंदर किसको, कंपनीज को। और आपको जो अलॉटेड कॉलेज होगा, आप अगर डीओसी से नहीं हो, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है क्योंकि आपके कम मार्क्स थे, हंसराज, हिंदू, एआरएसडी, जाकिर हुसैन वगैरह वगैरह, तो भी आप एलिजिबल हो सीएमसी की प्लेसमेंट्स के लिए बैठने के लिए। ठीक है, हर साल इनकी जो पॉलिसीज होती है वो चेंज होती रहती है, वो देख लेना जाके कैसा है, बट जो जनरल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप एलिजिबल रहते हो सीएमसी के प्लेसमेंट्स के लिए बैठने के लिए। अलग से भी जैसे कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, जैसे जेडीएमसी है वगैरह वगैरह, यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स थे मेरे, तो उन्होंने बताया कि सेपरेटली भी हमारी प्लेसमेंट्स हुई है। जैसे एमकॉम में अगर है कोई पर्सन तो उसकी प्लेसमेंट हो रही थी वहाँ पे, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, वैसे नहीं दी जाती है। अगर मैं एसआरसीसी की बात करूँ तो पिछले साल की, अगर मैं बात करूँ इस साल की 23-24 की, तो मेरे दोस्त थे एसएससीसी के अंदर, उनको प्लेसमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है वहां पर, एमकॉम से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, बीकॉम, बीकॉम होने तो वहाँ चलते ही रहता है, एमकॉम रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो एमकॉम रिलेटेड ये सोच के चलो कि सारी चीजें किसके अंदर है, डीओसी। ठीक है, सारी चीजें तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ, डीओसी मेजरली चीजों को देखती है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स सीएमसी देखेगा, सीएमसी के थ्रू आप लोग क्या करोगे, प्लेसमेंट्स में बैठोगे। तो प्लेसमेंट्स कुछ इस प्रकार की होती है, एवरेज पैकेज कुछ इस प्रकार का है। हाँ ये कहूंगा कि 12-10 लाख वगैरह का आते हैं, होते हैं वो भी सिलेक्ट, बट एवरेज ये मान के चलो, ज्यादा वो मत करो, बट टाइम टू टाइम इंक्रीज होती है चीजें, तो क्या बता आगे अच्छी पैकेज पे आने लगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो ये बेसिक चीजें थी जो मेरा एक्सपीरियंस था, अभी सिर्फ मैंने दो चीजें बताई है, फैकल्टी एंड प्लेसमेंट्स। अब बता देता हूँ जगह कैसी है। तो अगर मैं सिर्फ डीओसी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे को डीओसी का ही पता है, एसआरसीसी का पता है, रामजस, हिंदू, हंसराज, इन सब चीजों का पता है, तो कैंपस इज वेरी गुड, कैंपस काफी सही है, कैंपस सही है। बट अभी जो डीओसी का कैंपस है, डीएससी का कैंपस है, जो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या पता है इसको 1 साल लगे या 2 साल लगे, जो भी टाइम लगेगा, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हमें लास्ट सेमेस्टर में देखने को मिली थी, तो वो चीजें हैं ध्यान रखना। ठीक है, कैंपस सही है, एरिया काफी अच्छा है, आसपास का एरिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नॉर्थ कैंपस अच्छा है, ये तो मैं पता ही है, स्टूडेंट्स का हब है, कैंपस काफी अच्छा है। प्लेसमेंट्स मैंने आपको बता दिया और फैकल्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी कोई भी डाउट होगा एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या कुछ भी चीज आपको पूछनी है डीयू के अंदर एमकॉम करने से रिलेटेड, तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, अभी के अभी कमेंट कर देना साथ के साथ। अब हम बढ़ते हैं सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस सिलेबस की तरफ। देखिए इसका जो पेपर कोड रहता है वो क्या है, पेपर कोड इज P08। ठीक है, पहले कुछ अलग होता था पेपर कोड, अब ये है। अब इसकी एक बारी मार्किंग स्कीम देख लो कि आपका जो पेपर रहता है सीयूईटी एमकॉम का, उसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है। पहले होता था क्या, 100 क्वेश्चन आते थे, अब क्या हो गया, सिर्फ 75 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके जनरल वाले क्वेश्चन होते थे जनरल एबिलिटी के, वो हट चुके हैं। देर आर नो सच क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एक्सेट्रा, सो देर आर ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एरिया विच इज कॉमर्स। तो 75 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट एरिया से आएंगे, कॉमर्स से ही आएंगे। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा वाइड है, थोड़ा ब्रॉड है, बट चीजें कुछ ही पोर्शन से आती है। ठीक है, काफी कुछ चीजें हैं जो कि इररेलेवेंट हो जाती है कभी कभार, लेकिन करना तो सभी पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास सुफिशियंट टाइम है, अगर आप अभी देख रहे हो अगस्त सितंबर में ये वीडियो देख रहे हो 2024, देन यू हैव सुफिशियंट टाइम फॉर सीयूईटी एमकॉम 2025 2025। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर वेल, सारी की सारी यूनिट्स को कवर कर सकते हो, एंड साइड बाय साइड यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज, यू कैन सॉल्व पीवाईक्यूज एज वेल। ओके, लेट्स डिस्कस नाउ प्रॉपर सिलेबस ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी बेसिक एंड वेरी इजी टू डू। आई विल बी अपलोडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स वीडियोज ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून, दे विल बी ऑल फ्री। ऑल इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सारी माइक्रो ही है, यहाँ पे कोई भी मैक्रो नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो अलग से है, मैक्रो ऑलरेडी पढ़ी है हमारे चैनल के ऊपर, यू कैन गो टू प्ले लिस्ट एंड चेक द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्ले लिस्ट। ओके, सेकेंड यूनिट इज करेंसी एंड बैंकिंग, जो कि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, करंटली मेकिंग में है, वीडियोस आर इन करंटली मेकिंग।
दे आर ऑन इट्स वे, सो डोंट वरी. करेंसी एंड बैंकिंग इज द फर्स्ट यूनिट दैट वी विल बी डूइंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड. सो इन करेंसी एंड बैंकिंग देर आर सेवरल थिंग्स विच इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली इकोनॉमी, विच इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक थिंग्स सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी एक्सेट्रा. वी विल बी डूइंग दिस, वी विल बी डूइंग करेंसी एंड बैंकिंग सबसे पहले, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. अभी मैंने इन दो की वीडियो बना ली है, ये दो की बची हुई है, ठीक है? सो बेसिक चीजें हैं, करेंसी एंड बैंकिंग को अच्छे से कवर करेंगे एंड उसको साइड में रखेंगे. सारे जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज भी करेंगे साथ के साथ एंड ईजिली कवर हो जाएगा. देन इसके बाद क्या आता है, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट होता है वही है ये, और जो हमने 12th 11th 12th में पढ़ा है वो भी सारी बेसिक चीजें हैं. इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, यही सारी चीजें आ जाएगी जो हमने करी. एक नया टॉपिक आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगी, मैंने वैसे कभी नहीं पढ़ा, तो ऑफिस मैनेजमेंट एक न्यू टॉपिक आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं काफी बार, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है, ये भी हमें करना है. ऑफिस मैनेजमेंट एक अलग से है और थोड़ा सा लेंदी है, बट कोई नहीं, डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर इजिली हो जाता है, ठीक है? अगर हम पीवाईक्यूज भी करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से. फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग. अकाउंटिंग देखो किस लेवल की है, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन है हमारे पास जिसके अंदर 12th की अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप वाली, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, यहाँ तक ब्रांच अकाउंटिंग, ये सब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है? तो हमारे पास यही है सिर्फ, बस यही है, ठीक है? तो हमारे पास है क्या, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिन अकाउंटिंग नहीं है, नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रही है, अगर अलग से होगी तो हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये दो चीजें आ गई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ पोर्शन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पार्टनरशिप, वेल्थ की इजिली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर से बेसिक चीज, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक चीजें सारी पढ़ लेंगे, ईजी है, थ्योरी बेस्ड है पूरा, थ्योरी एंड एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है? देन इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है एक अच्छे लेवल की है यहाँ पर, ठीक है? बिजनेस स्टैट्स अच्छे लेवल की है हमारे पास. हमने जो किया हुआ है जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्जन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है. ये तो हो जाएगा, चलो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये भी हम कर लेंगे. स्टैटिस्टिकल मेथड भी ईजी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बट यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं. हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस, ठीक है? तो पब्लिक फाइनेंस एक अलग से बन जाता है हमारे पास टॉपिक, जो थोड़ा सा रिलेट करता है टैक्सेशन से भी, ठीक है? ये टैक्सेशन है, इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा. ये मैंने एमकॉम में किया हुआ है, छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं ये मैंने एमकॉम में किए हुए हैं, तो इजिली हम लोग ये पब्लिक फाइनेंस का ये वाला जो टॉपिक है ये भी कवर कर लेंगे. पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है? फाइनेंसिंग, छोटी छोटी जो टर्म्स हैं, थ्योरी पढ़नी है इनकी बस, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? फाइव ईयर प्लान्स हो गए, ये भी थ्योरी है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस लॉ, इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट वाला आ जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला, और ये एक नया वाला जो है, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक कि पढ़ा होगा, ये जो है ये हमने पढ़ रखा होगा फिर भी कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पे, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक बन जाता है जिसके अंदर से कुछ चीजें हमने बीकॉम के अंदर करी है, ठीक है? देन हाँ, अब आ जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग पे. जैसे हमने बात करी थी कि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल है, कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप है, अब आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट में ये भी आता है, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आते हैं और ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग से आएगा, ठीक है? तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थोड़े मोटे पार्ट्स मैंने करवा रखे हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलरेडी पढ़ा है इस चैनल के ऊपर, एक वीडियो पड़ी है मार्जिनल कॉस्टिंग की, वो कर लोगे तो पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग डन, ठीक है? ऐसे ही अलग अलग वीडियोज में होप करूंगा कि मैं डाल पाऊँ, देखो अगर टाइम मिले तो मैं डालूंगा, अदरवाइज वी विल सी क्या रहता है. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, टेलीग्राम ड्यू कॉमर्स का ही है, जैसा भी है अगर आपको ज्वाइन करना है कर लेना, अदरवाइज व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लेना. व्हाट्सएप चैनल अभी मैंने नया बनाया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा.
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग सीईटी एमकॉम एंट्रेंस एंड एज वेल एज आई हैव टेकन अ डिसीजन दैट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल आई विल स्टार्ट अपलोडिंग यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कंटेंट एज वेल। इसको रख रहा हूँ मैं किस चीज़ के लिए, सीईटी एमकॉम एंट्रेंस के लिए और यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आता है क्या, कंपनी लॉ। जैसे कि बिजनेस लॉ है हमारे पास तो कंपनी लॉ भी है, थोड़ा सा ब्रॉड है ये, इसमें कुछ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस भी आ जाती है, तो थोड़ा सा ब्रॉड है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कंपनी लॉ आ गया। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बेसिक है ये भी, आपके बीकॉम के फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में होता होगा ये, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो 4 ईयर आ गया तो शायद से पहले होता होगा। तो सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बेसिक है। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स आ जाता है, जैसे डीयूईटी के अंदर भी ये होता था, जब डीयूईटी होता था 2022 तक होता था डीयूईटी, तब वहाँ पे भी बिजनेस मैथमेटिक्स होता था। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें ही करना होता है हमें, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं हर बारी, तो ये भी इजिली कर लेंगे हम। मैं कुछ आपको यूट्यूब के लिंक्स भी दे दूंगा जो अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, मैथ्स के जो टीचर्स हैं, जिसने जब मैं डीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा था 2022 में, मैंने प्रिपरेशन की थी उन यूट्यूब वीडियो से, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपके बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं थी, मैंने तब भी बिजनेस मैथमेटिक्स को किया, और बीकॉम में मैंने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं थी। फर्स्ट सेमेस्टर में थी हमारे पास, सेकंड सेमेस्टर में थी, फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी थी, मेरी सीजीपीए बहुत कम थी, 6 के अराउंड थी। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स मेरे पास थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, और मतलब थी बट मैंने पढ़ा नहीं था, बट फिर भी मैंने उन वीडियोज को देखकर बिजनेस मैथमेटिक्स ऐसे कर ली थी कि मैंने डीयूईटी के सारे बिजनेस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व किए थे, एंड साइड बाय साइड मैंने लोगों को पढ़ाया भी था, तो वहां पे भी मेरे को बिजनेस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते थे। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है इसको बड़े से को देख कर, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग बिजनेस मैथमेटिक्स से डरते हैं और स्टैटिस्टिक्स से भी डरते हैं, ईजी है, हो जाएगा। इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट है, किसी के सिलेबस के अंदर होता है, किसी के सिलेबस के अंदर नहीं होता है, किसी के में ऑप्शनल रहता है जो लोग बीकॉम करते हैं, और किसी के में नहीं रहता है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। तो लॉ कितनी हो गई हमारे पास, बेसिकली बिजनेस लॉ हो गई, बिजनेस लॉ इज देयर, कंपनी लॉ इज देयर, एंड इनकम टैक्स लॉ इज देयर। इनकम टैक्स दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और इनको तो कभी भूल के भी छोड़कर मत जाना, यहां से क्वेश्चन अच्छे से निकलते हैं। ठीक है, आते हैं, वही सारी चीजें जो बेसिक रहती है बीकॉम के अंदर, इनकम टैक्स की वही है। टोटल इनकम को कैसे फाइंड आउट करें, इंडिविजुअल और एचयूएफ की फॉर्म की हेड्स हैं सारे इनकम के, सैलरीज, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज एक्सेट्रा, और थ्योरी का पोर्शन भी है। थ्योरी का पोर्शन है टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, जो कि पब्लिक फाइनेंस में भी है, जो कि हम कर लेंगे इजिली। देन उसके बाद आते हैं ऑडिट, ऑडिट से क्वेश्चन आते हैं ऑब्वियसली, तो ऑडिट को करना जरूरी है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, पहली बात तो ये कि करंट अफेयर्स देख लेना इकोनॉमी के, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, और क्या, और हमारी जो 11th 12th की क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली नोटबुक है, उसे बुक है, उसे कर लेना, इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, तो मार्केटिंग आ जाता है पूरा का पूरा इसके अंदर, प्रमोशन, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, और प्रोडक्ट प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये बेसिक चीजें हैं मार्केटिंग की, बहुत इजी रहती हैं, और अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इजीली यहाँ से स्कोर बनता है आपका। माइक्रो हो गई थी, अब बारी आती है मैक्रो की, तो इकोनॉमिक्स पूरी है यहाँ पर, पूरी इकोनॉमिक्स है, माइक्रो है, मैक्रो है, प्लस में 12th 11th 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारी करनी है आप लोगों को। जब भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू करें तो 11th 12th का भी जरूर करना, यहाँ पे सीयूईटी के लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर वही सारी चीजें, भाई देखो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर सारी चीजें वही हैं जो मैंने करवा रखी है। गाइस इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज जाके चेक करो, और अभी से ही उसको लगाओ, फ्री अवेलेबल है, जाके चेक करो, है कवर कर लो यहीं का यहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंसी एंड बैंकिंग में लेकर आ ही रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अनलिस्टेड पड़ी है मेरे चैनल पे, मैं अभी इसको पब्लिक नहीं कर रहा हूँ,
बिकॉज वो मेरे पेड स्टूडेंट्स के लिए था, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि सीयूईटी स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड ऑफ इंडिया, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, फॉरेन ट्रेड, ठीक है? ट्रेड से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ध्यान में रख लेना, क्वेश्चंस बनते हैं काफी बार, बीओपी है एक्सेट्रा, ठीक है? ईसीजी हो गया, एक्सिम हो गया। फिर उसके बाद अगेन स्टैटिस्टिक्स आता है, टाइम सीरीज, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, सैंपल सर्वे, ये अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, तो बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। देख सकते हो आप कितना वाइड है, कितना ब्रॉड है इनका अगेन बैंकिंग, इसको पूरा बैंकिंग ही मान लो, ठीक है? बैंकिंग ही मान लो इन सारी चीजों को, यहाँ से लेके नीचे तक। ऊपर भी करेंसी बैंकिंग था, उसमें से भी कुछ पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ का देन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हमें एमकॉम के अंदर पढ़ाया जाता है, जैसे गेम्स थ्योरी हो गई, एमकॉम के अंदर पढ़ाया जाता है ये। डिसीजन थ्योरी है, एमकॉम के अंदर पढ़ा है मैंने, तो अगर मैं मेरी बात करूं, ठीक है, ये सारी चीजें भी एमकॉम के अंदर पढ़ी है, तो ये भी कवर हमें करनी पड़ेगी। देन आ गया ईओक्यू, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। सो ये हमारा था लास्ट टॉपिक। तो आप देख पा रहे हो कितने सारे ब्रॉड एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल बता देता हूँ, जनरल जनरल यूनिट्स बता देता हूँ, या फिर इजी यूनिट्स जो आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, स्टार्टिंग में कवर कर सकते हो, तो वो हो गई माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। थर्ड हो गई आपकी अकाउंटिंग, जिसके अंदर आती है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपकी पार्टनरशिप, 11th 12th 12th बेसिकली, और कॉरपोरेट अकाउंटिंग, एंड देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि ये आपने अपने बीकॉम में भी कर रखा है, तो ये जल्दी से हो जाएगा, ये रिवाइज ही करना है जस्ट हमें, और थोड़ा बहुत डीप में समझना है, मतलब कि कंसेप्ट बेस्ड समझना है, ये कर लोगे आप लोग। फोर्थ आ जाती है आपके पास करेंसी एंड बैंकिंग, करेंसी एंड बैंकिंग ईजिली कर लोगे। फिर फिफ्थ आया था अपने पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, इजीली कर लोगे, ठीक है? मार्केटिंग मैनेजमेंट हो जाएगा इजीली। देन सिक्स्थ पे आता है, और सेवन्थ पे आता है क्या, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स। ये हो गया क्लियर? और कौन सी यूनिट कर सकते हैं हम पहले पहले, लेट्स सी, बैंकिंग हो जाएगी, बैंकिंग है, लो भी है, बैंकिंग एंड लो, बस यही है। और हम कर सकते हैं क्या, एट्थ पे कर सकते हैं हम हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, हाँ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ओ भी आ जाता है, थोड़ा बहुत एचआरएम, एचआरएम तो मेरे को दिखा नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेना। नाइन्थ क्या है, लो आ जाती है, लो में बिजनेस लो कर लो पहले, एंड देन उसके बाद कर लो कंपनी लो, ठीक है? फिर आप कर सकते हो जो इजी है क्या, ऑडिट कर सकते हो, बैंकिंग नहीं लिखा गया मैंने, बैंकिंग यहाँ पे कवर कर लेना, ठीक है, साइड बाय साइड। ट्वेल्थ क्या कर सकते हो आप, ऑडिट के बाद कर सकते हो इनकम टैक्स, ठीक है? यही बचता है, फिर बेसिक चीजें बचती है, बेसिक नहीं थोड़ी सी डिफरेंट चीजें बचती है जो ज्यादा नहीं पूछी जाती है, तो वो हम लास्ट में। ऐसे करके आप अपना प्लान बना सकते हो सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन का 2025, एंट्रेंस 2025। जितनी मैं हेल्प, जितनी मेरे से भी हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा उतनी हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आगे जाके आपको सीयूईटी आई मीन यूजीसी नेट के लिए भी पेपर देने होंगे, तो मैं हूंगा वहां पे, यहाँ पे आपको सीयूईटी और यूजीसी नेट का कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। कोई भी डाउट है मेरे को बता देना।